और इधर देखिए, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक अजान बनाम हनुमान चालीसा पर कोहराम समझा हुआ है, लेकिन इस बीच योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में दंगाइयों ने जरा भी बवाल करने की कोशिश की तो फिर बुलडोजर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट देखिए। जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। योगी की सख्त चेतावनी, दंगा किया तो छोड़ेंगे नहीं। धार्मिक जुलूस, लाउडी स्पीकर, योगी से पंगा, चलेगा बुलडोजर। यूपी में धार्मिक जुलूस और पूजा स्थलों पर बिना अनुमति के ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड अजान विवाद अब यूपी के अलीगढ़ में गरमाता जा रहा है। सीएम योगी की घोषणा के बावजूद शहर के कई चौक चौराहों पर अभी भी लाउड स्पीकर लगे हैं। ये किसी चौराहे पर नहीं लगाया गया, ये हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व अपने प्रतिष्ठान पर लगाया गया था और सुबह और शाम प्रतिदिन हनुमान चालीसा में बज रही है और ध्वनि तीव्रता को देखते हुए, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत रहा हो उसको देखते हुए लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा बज रही है। सीएम योगी ने जो ताजा निर्देश जारी किए उनके मुताबिक नई जगहों पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, आवाज भी परिसर से बाहर नहीं जाएगी, किसी को असुविधा न हो इसका ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्रा के आयोजन के लिए मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाला आदेश जारी कर दिया। इस नए आदेश के मुताबिक धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजक को अनिवार्य रूप से हलफनामा देना होगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। त्योहारों को देखते हुए 4 मई तक यूपी पुलिस के फील्ड में तैनात सभी अधिकारियों, जिसमें थानेदार से लेकर एसपी तक है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पहले से छुट्टी पर गए अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है, लेकिन अगर दिल्ली जैसे दंगा करने की कोशिश यूपी में की गई तो यकीन मानिए योगी सरकार दंगाइयों के खिलाफ बेहद सख्त बुलडोजर जैसी कार्रवाई कर सकती है। वैसे दंगाई अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूपी में योगी से पंगा लेने का मतलब है आप बुलडोजर मुझे मार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।